नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के बारे में, जिसको हम एयरलेस इंजेक्शन या फिर सॉलिड इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसी के अंदर ये आता है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। हमने पहले बात की थी कॉमन रेल सिस्टम की, उसी की तरह का है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, बस इसमें थोड़े से कंपोनेंट जो है वो अलग हैं। वो क्या है देखिए, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और उसकी वर्किंग क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक के अंदर क्या होगा, हमारा जो फ्यूल होगा वो होगा, जो फ्यूल की सप्लाई जाएगी फिल्टर से, ये हमारा प्राइमरी पंप, इसको बोलते हैं प्राइमरी पंप। प्राइमरी पंप का फंक्शन क्या है कि स्टोरेज टैंक से फ्यूल को लेना और इस फिल्टर से होके वो फ्यूल गुजरेगा, इस फिल्टर से होके वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ फॉरन मटेरियल है या फॉरन पार्टिकल्स हैं छोटे मोटे, तो वो साफ हो जाएंगे। तो प्राइमरी पंप के थ्रू ये जाएगा दूसरे फिल्टर के पास, यहाँ भी फिल्टर लगा है, तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद जो फ्यूल है वो जाएगा हमारा इस हाई प्रेशर पंप के पास। ये है हाई प्रेशर पंप, और इसको हम मीटरिंग डिवाइस भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों काम करेगा, जो फ्यूल को कंप्रेस करने का काम भी करेगा, उसको प्रेशराइज करने का काम भी करेगा, और उसको मीटरिंग करने का काम भी करेगा कि उसको कितना हमें आगे डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक पे देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पंप है और ये जो पंप है, दोनों ही कैम से ऑपरेटेड हैं। ये कैम्स हैं, ये कैम है जो इनको ऑपरेट करेगी। तो ये कैम शाफ्ट है, तो कैम शाफ्ट से ये अटैच है ताकि ये इंजन से पावर लेके कैम शाफ्ट इनको वर्किंग दे सके। तो दोनों पंप कैमशाफ्ट से ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे कंट्रोल रैक लगा होता है जो कि कंट्रोल करता है, जो कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, कितना हमें कंप्रेस करना है, कितने प्रेशराइज पे आगे उसको भेजना है फ्यूल को। तो यहाँ से फ्यूल जाने के बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक के पास। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है। तो एक कॉमन ब्लॉक होता है डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक, जिस तरह से कॉमन रेल के अंदर एक कॉमन रेल होती है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक एक कॉमन होता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, जो ये हमारा हर एक जो हमारी नोजल है जिसपे हमें फ्यूल को सप्लाई करना है, उसको अलग अलग तरह से फ्यूल को सप्लाई करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक का क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर एक सिलेंडर के अंदर फ्यूल को हर एक नोजल के पास कैसे भेजता है, देखिए यहाँ भी ये कैम शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे ये कैम्स लगी हैं, जो कि इस डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक के ओपनिंग जो वाल्व लगे हैं उनको ओपनिंग और क्लोजिंग के काम आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक इन कैम के अकॉर्डिंग काम करता है। जब कैम इसके इसको आदेश देती हैं, या कहते हैं कि इसको सिग्नल देती हैं, या कहते हैं कि ऑपरेट करती हैं, तो ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन। जब हमें इंजेक्शन करना है सिलेंडर के अंदर फ्यूल का, तो इन कैम की हेल्प से, लिंकेज की हेल्प से वो वाल्व ओपन क्लोज होते हैं, और जो भी वाल्व ओपन होता है वहां से फ्यूल जाता है इस नोजल के पास। ये नोजल है और उसको इंजन सिलेंडर के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है। इसी तरह से जब दूसरे नोजल की बारी आती है, तो कैम ऑपरेट करती है और वाल्व को ओपन करती है, फ्यूल जाता है और सिलेंडर के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है। तो इनकी जो टाइमिंग है वो बनाई जाती है कि किस हिसाब से ये जो फ्यूल है कौन कौन सी नोजल को सप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक उनको सप्लाई करता रहता है और इस लिंकेज के थ्रू ये काम करता रहता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम काम करता है। इसके अंदर जो हाई प्रेशर पंप होता है, ये हाई प्रेशर के ऊपर फ्यूल को सप्लाई करने का काम करता है। तो सिंगल हाई प्रेशर पंप इसके अंदर यूज किया जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, ये सॉलिड इंजेक्शन है या एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम काम करता है फ्यूल को सप्लाई करने के लिए। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।